बक्सर में रुद्र महायज्ञ का हुआ भव्य आयोजन, हर घर में लहरेगा सनातन धर्म का झंडा। थोरी पांडेयपुर बक्सर में चल रही विशाल रुद्र महायज्ञ चल रहा है। श्री शिव महापुराण की कथा आज व्यासपीठ से श्री जेयर स्वामी जी महाराज के शिष्य स्वामी प्रेमनारायणाचार्य पीताम्बर जी महाराज के तत्वाधान में आयोजित हुई है। हिंदू सनातन धर्म के उत्थान को लेकर रुद्र महायज्ञ का आयोजन किया है, साथ में शिव पार्वती विदाई की कथा का मार्मिक वर्णन भी किया गया। कथाक्रम में स्वामी जी ने कहा कि हम सबके जीवन में केवल और केवल सत्यम शिवम सुंदरम का ही भाव होना चाहिए, अर्थात जो सत्य है वही श्रेष्ठ है और श्रेष्ठ ही शिव है, जो शिव है वही सुंदर है और जो सुंदर है वही कल्याणकारी है। चूंकि हमारा शरीर भी चंद्रमा की तरह कभी घटता है और कभी बढ़ता है, इसलिए हमें जीवन में शिव की आराधना और उपासना नियमित रूप से करते रहना चाहिए। भगवान शिव की आराधना से ही हमारा जीवन आनंदमय होगा। श्रद्धालुओं को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि भगवान शिव का किसी भी रूप में स्मरण करते रहना चाहिए, ऐसा करने पर हमें आत्मबल को बढ़ाने वाला पुरुषार्थ ही प्राप्त होता है। इसलिए इस जीवन में प्रत्येक व्यक्ति को एक मंत्र, एक ग्रंथ और एक संत का आश्रय अवश्य लेना चाहिए। यज्ञो वै श्रेष्ठतमं कर्म, यज्ञ से बढ़कर के श्रेष्ठ दूसरा कोई कर्म नहीं, दूसरा कोई पूजा नहीं, दूसरा कोई अनुष्ठान नहीं, दूसरा कोई व्रत नहीं। मैं बिहार वासियों से ये कहना चाहेंगे कि ये आपका जो विहार है सदा से, आदि से, अनंत से ऋषियों का भूमि रहा है। जिस धाम में ये दिव्य रुद्र महायज्ञ, शिशु महापुराण कथा, श्रीमद् भागवत कथा संपन्न हो रहा है, ये बक्सर है। बक्सर का पूर्व नाम सिद्धाश्रम है, उससे भी पूर्व नाम वामन आश्रम है, उससे भी पूर्व नाम हिरण्यगर्भापुरी है। अर्थात जब भी पृथ्वी का उत्पत्ति हुई थी तो सर्वप्रथम सिद्धाश्रम वामनाश्रम यानी ये बक्सर का ही प्राकट्य हुआ था, इसलिए आदि भूमि है। और ये बक्सर विश्वामित्र के तपोस्थली भी माना जाता है। मैं कहाँ तक कहूँ, विश्वामित्र ही नहीं अपितु ब्रह्मांड के संपूर्ण ऋषियों का केंद्र बिंदु रहा है। यदि आप बक्सर से थोड़ा आगे बढ़े तो चौसा चवन ऋषि का, उसे थोड़ा पहले जाए जहाँ पर अभी यज्ञ हुआ था, वो अहिल्या यानी गौतम अहिल्या का धाम रहा है। वामनाश्रम सेंट्रल है जहाँ पर वामन भगवान प्रतिष्ठित हैं, उसे वामनाश्रम कहा जाता है। कश्यप अदिति का वहाँ पर निवास स्थान रहा है। नादाव कहिए नादव ऋषि का, भगवर के भार्गव ऋषि का। तो ये सदा सर्वदा से, और ये बक्सर बिहार वासियों को गर्व करना चाहिए अपने बिहार पर, क्योंकि बिहार की भूमि और बक्सर की भूमि संपूर्ण ब्रह्मांड से सर्वश्रेष्ठ है। क्यों? क्योंकि अयोध्या आदि जो पुरियाँ हैं वो राम लक्ष्मण भगवान राम आदि को प्राकट्य की है, जन्म दी है। और धन्य सिद्धाश्रम की भूमि जो भगवान की शिक्षा स्थली रही है, यही नहीं तपोमूर्ति विश्वामित्र के चरणों में इस सिद्धाश्रम के धूल में लोटपोट हुए हैं। कौन? भगवान राम। इसलिए बक्सर और बिहार सदा से ऋषियों का स्थान रहा है, सदा से यज्ञ का स्थान रहा है। और यज्ञो वै श्रेष्ठतमं कर्म, यज्ञ से बढ़कर के कोई श्रेष्ठ कर्म नहीं है। साइंटिफिक दृष्टि से भी और आध्यात्मिक दृष्टि से भी यज्ञ से बढ़कर के कुछ श्रेष्ठ नहीं है। जैसे कि हम यज्ञ में आहुतियाँ देते हैं, हवन होता है, तो उसमें मात्रा बताई गई है कि इतना चावल पड़ेगा, तो इतना जौ पड़ेगा, तो इतना तिल पड़ेगा, तो सर्व औषधि है आदि आदि जो औषधियाँ पड़ती है, वो जो हवन होता है उससे जो धुआं होता है उससे संपूर्ण वातावरण पवित्र होता है, प्रदूषण से मुक्त होता है। और यज्ञ पहले खूब होता था, इसीलिए कोरोना जैसा वायरस कभी आया नहीं। आज यज्ञ बंद है, इसी के वजह से वायरस प्रारंभ हुआ। और देखिए ना, कोरोना जैसे महामारी ने सारे साइंटिफिक, सारे विज्ञान, सारे डॉक्टरों को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया, और अंततो गत्वा सब ने अध्यात्म का ही आश्रय लिया, यज्ञ का आश्रय लिया, पूजा का आश्रय लिया, अनुष्ठान का आश्रय लिया। इसलिए आध्यात्मिक और साइंटिफिक दोनों दृष्टि से यज्ञ से श्रेष्ठ और कुछ नहीं है, इसलिए कहना पड़ा यज्ञ वही श्रेष्ठतम। सर परिचय आपका बाबा? मेरा नाम स्वामी प्रेम नारायणाचार्य है, पीताम्बर जी के नाम से विख्यात है। मैं अंतर्राष्ट्रीय भागवत प्रवक्ता, रामकथा भी, और यहाँ पर श्री रुद्र शिशु महापुराण की कथा। धन्यवाद सर। श्रीमती रामानुजाय नमः। अनंताचार्य कृपया वेदांत द्वय पारगम रामकृष्णांग सदभक्तम विश्वक्सेन मुनिम भजे। एक तरह से यज्ञ का शाब्दिक अर्थ समझेंगे तो यज्ञ का मूल शाब्दिक अर्थ हुआ निष्ठा, संगठन और समर्पण, त्याग।
शास्त्रों में आया है कि भाग्यो देन बहुजन्म समर्जिते न सत्संगमम च लभतो पुरुषो यदा वै। यह एक जन्म नहीं जन्म जन्मांतर का जब पुण्य प्रफुल्लित होता है, पुण्य का उदय होता है, तब जाकर के इस तरह के नारायण का यज्ञ करने का सुअवसर प्राप्त होता है। और मेरा जो जीवन का लक्ष्य है, घर घर सनातन के ध्वजा स्थापित करने का लक्ष्य है, और यह यज्ञ के बहाने यज्ञ के निमित्त ही इस कार्य को हम सिद्ध करते आ रहे हैं। सर, आजकल मतलब भाई भाई का दुश्मन बन गया है, मतलब आदमी आदमी को नहीं पहचान रहा है, इसको लेकर आप क्या अपने माध्यम से क्या समाज को संदेश देना चाहेंगे? पहले तो संस्कार से युक्त होना पड़ेगा। जहाँ संस्कार नहीं है वहाँ धर्म नहीं है, जहाँ संस्कार नहीं है वहाँ समर्पण नहीं है, त्याग नहीं है, संगठन नहीं है। जिस दिन संस्कार आ जाएगा अपने परंपरा का, अपने कुल का, अपने राष्ट्र का, तो उस दिन से सभी अधर्म सब बंद हो जाएंगे और हमारा राष्ट्र सुरक्षित भी हो जाएगा और यज्ञमय हो जाएगा। ठीक, धन्यवाद। जय श्री नारायण।